बस तेज़ आ रही थी अगों के स्कूल बस जी क्रॉस कर रही थी उन्होंने क्रॉस करते बचाद जरा वा ड्राइवर को जरा वा बस कंट्रोल च नहीं रही। मौके तो आए हैं मौके पर वेख्या सवारियां 40-45 सवारियां सी इहदे दो कु सवारियां दे सट्टां लगियां ने उन्होंने इलाज लई जिहड़ा गुरदासपुर भेज दिता गया वा। जम्मू अमृतसर नैशनल हाईवे ते निजी कंपनी दी बस घटना दा शिकार हो गई। इस हादसे विच इक औरत जख्मी हो गई है। इस मामले बारे पुलिस अधिकारी ने दस्सिया कि निजी कंपनी दी बस जदों गुरदासपुर तों अमृतसर वल जा रही सी तां इस बस दी रफ्तार तेज होण करके एक स्कूल बस नूं बचाउंदी होई इह बस हादसे दा शिकार हो गई। कोई 9 बजे सानूं इनफॉर्मेशन मिली है कि गुरदासपुर तो अमृतसर नूं रोहतक अपने वालियां दी कंपनी वालियां दी बस जिहड़ी जा रही है तो इत्थे पलटी खा गई है। असीं मौके ते आए हां मौके ते वेख्या सवारियां 40-45 सवारियां सी इहदे विच ते दो कु सवारियां दे सट्टां लगियां ने उन्होंने इलाज लई जिहड़ा गुरदासपुर भेज दिता गया वा। बाकी सवारियां जिहड़ियां ठीक ठाक सी उन्होंने सारियां नूं हुण जिथे जिथे उन्हां जाणा सी उह बसां दे विच इस हादसे समय बस विच करीब 40 यात्री मौजूद सी जिन्हां विचों एक औरत जख्मी हो गई। इस औरत नूं इलाज लई हस्पताल भेज दिता गया। ये रोहतक ट्रांसपोर्ट की बस सवेरे गुरदासपुर तो अमृतसर जा रही थी तो इत्थे इन दी बस पलट गई हैगी आ बाईपास धारीवाल लेल दे लागे और इहदे विच 40 दे करीब सवारियां सीगियां उहदे विचों एक लेडी इंजर हुई आ जिहदी बैक ते ब्लंट इंजरी आई आ उहनूं साडी नशहरे वाली एंबूलेंस ने बहुत समय सिर सिविल होस्पिटल बबरी पंचायत आ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਫੱਟੜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਿਕਾਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹ 'ਚ ਫੱਟੜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਪਲਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਕੰਡਕਟਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਬੱਸ ਦੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।